हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ गाइस करेला की सब्जी। तो गाइस करेले की सब्जी बनाने के लिए आप इस तरीके से जब बनाएंगे करेले की सब्जी जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ आपको, तो इस प्रोसेस से बनाएंगे तो आप करेला आसानी से खा सकते हैं और ज़्यादा कड़वा भी नहीं लगेगा। और मैंने लिया है एक कच्ची अमिया। तो गाइस करेला बनाने के लिए सबसे पहले करेले को धो लेंगे। तो गाइस करेला बनाने के लिए मैंने सबसे पहले करेले को धो लिया 2-3 पानी से। इस तरीके से धोने के बाद बनाएंगे चटपटा मसालेदार करेला। तो चाकू ले लेंगे, चाकू की सहायता से इस तरीके से करेले के जो ऊपर के छिलके होते हैं इस तरीके से हल्का सा छीलना नहीं है, बस इस तरीके से खुरस लेना है। तो इस तरीके से सारे करेले को हल्का सा चाकू से खुरसने के बाद, चाहे तो आप भरमा करेला बनाना चाहे तो भरमा करेला बनाने के लिए इस तरीके से बीच से कट लगा देंगे। और इस तरीके से अंदर मसाला भर लेंगे। तो चाहे तो आप भरमा करेला नहीं बना रहे हैं तो भूगोल भी बना सकते हैं। इस तरीके से हल्का सा खुरस लेंगे करेले को। और सो गाइस, अगर आप नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। इस तरीके से मैं जो बना रही हूँ भरमा करेला भी बना सकती हूँ। एक मैंने इस तरीके से बना लिया है और भी इससे चीरा लगा दिया है, तो ये भरमा करेला बन जाएगा। और ये करेला मैंने गोल काट रही हूँ इस तरीके से, इस तरीके से गोल काट लेंगे। तो गाइस सारे करेले को अच्छे से खुरच के काट लेते हैं। मिलते हैं करेला काटने के बाद। तो गाइस इस तरीके से करेले मैंने काट लिए हैं और 2 करेले इस तरीके से मैंने रखे हैं और भरमा करेले बनाएंगे और बाकी मैंने काट के बनाए हैं। तो इस तरीके से करेले आप गाइस बना सकते हैं और इसको आप 2-3 पानी से धो लेंगे। तो गाइस करेले मैंने 2-3 पानी से धो लिए हैं। अब चाहे तो आप इसको नमक लगाकर धूप में भी रख सकते हैं। तो गैस मैं धूप में नहीं रख रही हूँ, फटाफट बनाऊंगी मैं करेले। आप इस प्रोसेस से बना सकते हैं और फटाफट आप बना सकते हैं करेले। अब चलते हैं गैस की तरफ। चाहे तो आप धूप में रख लेंगे तो धूप में भी इसकी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाती है। अगर धूप में नहीं रख पा रहे हैं गैसेस तो आप इस तरीके से आप बनाइएगा। गैस को ऑन करेंगे और रखेंगे कढ़ाई और ये करेले जो है इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे पानी 1 गिलास। थोड़ा सा नमक और इसमें बॉयल लगा लेंगे। तो इसको ढक देंगे। एक खोल के बाद गैस को ऑफ कर देंगे। 4 प्याज ले लेंगे। प्याज को गैस काट लेंगे। प्याज को छोटे छोटे पीसों में कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से प्याज को कटिंग करना है, ज़्यादा बड़ी नहीं ना ज़्यादा महीन। तरीके से सारे प्याज काट लिए हैं। करेले में बॉयल आ गई है। अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब इसको निकाल लेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे, पानी को फेंक देंगे। पानी को फेंक देंगे। गैस को ऑन करेंगे तो पोंछ लेंगे कढ़ाई को। में डालेंगे कड़वा तेल 1 चम्मच। गरम करेंगे कच्ची अमिया को। गैस काट लेंगे और इसको छील के काट लेंगे। ऑयल गरम हो गया है और इसमें डालेंगे 2 स्वाद अनुसार नमक। ऑलरेडी करेले में मैं पहले डाल चुकी थी, क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखनी है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा खड़ा सौंफ। टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून और जो मैंने प्याज की कटिंग करी थी वो प्याज डाल देंगे। कच्ची अमिया मैंने जो ली है इस तरीके से मैंने 1/4 ही ली है और कद्दूकस से इस तरीके से कद्दूकस कर देंगे इस तरीके से। कद्दूकस करके ही डालिएगा। अगर ऐसे डाल देंगे तो आपका जब खाएंगे तो अलग से लगेगा कि हाँ बहुत ही ज़्यादा खट्टा लग रहा है, क्योंकि खट्टी अमिया बहुत ज़्यादा है। और ये जो है जो मैं गुड्डी की जो जाली है वो भी इसी तरीके से डाल देंगे। जब आप खाइएगा गाइस तो इसको पहले इस तरीके से निकाल दीजिएगा ताकि मुँह में अगर आ जाएगी तो केसेस तो वो खट्टे दांत हो जाएंगे। तो गाइस इसलिए ध्यान से जब खाइएगा जब। और जो मैंने करेला जो
बनाया है इस तरीके से, जो भरमा करेले के लिए। तो इस प्रोसेस से बनाएंगे आप, इसको चलाएंगे। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है, तीखी ज़्यादा है। धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, पिसा हुआ सौंफ को मैंने पाउडर बना लिया था, सौंफ का पाउडर। वन टीस्पून चीनी, चीनी से गाइस करेला जो है थोड़ा सा मीठा रहेगा और खट्टा मीठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और इसको चलाएंगे। तो प्याज आप देख सकते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, और ये भरमा करेला जो है मसाला इस तरीके से इसके अंदर फैल देंगे। तो ये भरमा करेला हो गया, और जो मैंने करेला इस तरीके से काट के रखा था इसको बॉईल कर लिया था, तो वो इसमें डाल देंगे। पानी इसको थोड़ा सा इस तरीके से निचोड़ देंगे, इसकी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाएगी और करेला आसानी से खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा करेला। तो सारे करेले इस तरीके से मैंने डाल दिए, तो चलाएंगे और इस पर ढक देंगे। प्लेट को गैस धो लिया है ताकि इसमें कड़वाहट थोड़ी कम हो, और गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो गैस 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको चलाएंगे इस तरीके से। अब प्याज आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट हो गया है, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा गुड़, गुड़ से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसे चलाएंगे, अभी थोड़ा सा पक्का नहीं है गैस कर रहा है करेला, इसको फिर से ढक देंगे। गैस को लो फ्लेम पर रखना है। तो गैस गैस को मैंने लो फ्लेम पर कर दिया है, इसको खोल के देखेंगे और इसको चलाएंगे, और इसको धीमी आंच में इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब गैस इस तरीके से करेला जो है पक गया है, अब इसको ढक्कन को बंद नहीं करना है, बस इसी तरीके से 10 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे अच्छे से, जो इसका पानी है सूख जाए। गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे और इस तरीके से इसको थोड़ा सा दबा देंगे। दबाने से क्या रहता है, जो प्याज जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा और महीन हो जाएगा। इसमें डालेंगे सौंफ पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा मसाला कम लग रहा है तो, और थोड़ा सा ऊपर से जब डालेंगे तो टेस्ट अलग से निखर के आएगा मसाले का। अब आप देख सकते हैं करेला पत्ता बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से गाजा बना सकते हैं चटपटा मसालेदार प्याज का करेला। तो सर्व कर लेते हैं। तो गाइस आपको करेले की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो लीजिए मैं फटाफट सर्व कर लेती हूँ। तो गाइस करेला बनकर परफेक्ट तैयार हो गया है चटपटा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ गाइस भिंडी की चटपटी मसालेदार सब्जी। तो गाइस आपने भिंडी बहुत ही तरीके की खाई होंगी, लेकिन आप ही कितना तरीके की भिंडी मैं बनाने जा रहा हूँ। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी भिंडी जलेगी नहीं, और आराम से आप फटाफट बना सकते हैं। और मैंने ली है भिंडी, जो भिंडियों को धोने के बाद काट लिए हैं, और काटने के बाद जो मैंने अमिया ली है, अमिया के भी छोटे छोटे पीसेस इस तरीके से मैंने काट लिए हैं। और मैंने लिया है एक प्याज, उसको छोटे छोटे पीसों में काट लिए हैं, और आधी अमिया समथिंग मैंने इसमें भिंडी में काट दी है। और इस तरीके से गैस आप बना सकते हैं चटपटी मसालेदार भिंडी। और तो गैस चलते हैं गैस की तरफ, बनाएंगे भिंडी किस तरीके से बनाते हैं, और आप भिंडी जब चौकेंगे तो आपकी भिंडी जलेगी भी नहीं और आप स्पाइसी भिंडी बना सकते हैं। इस तरीके से बनाइएगा। और आप मेरे नए हैं मेरे चैनल को देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। आप लीजिए चलते हैं गैस की तरफ, तो बनाएंगे चटपटी मसालेदार भिंडी।
गैस को ऑन करेंगे। सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे, लोहे की कढ़ाई ली है, एक चमचा ऑयल डाला है इसमें, गर्म होने लगा है, ऑयल गर्म हो गया है। अब जो मैंने प्याज के छोटे छोटे पीसेस काटे हैं वो प्याज इसमें डाल देंगे। और इसको ट्रांसपेरेंट प्याज को फ्राई करना है, जलाना नहीं है इस तरीके से। तो गाइस प्याज जो है ट्रांसपेरेंट गुलाबी हो चुका है, गैस को लो फ्लेम पर रख कर रखा है। अब इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर आधा टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा। कच्चा आम मैंने पहले ही आधा काट लिया है, इसमें इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस करे हैं आम के। कच्चे आम अगर नहीं आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खटाई भी डाल सकते हैं, चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं। अब इसमें भिंडी ऐड कर देंगे, अब इसको फ्राई करेंगे, चलाएंगे। सो गाइस फ्राई कर लिए हैं और इसको चलाएंगे। चलाने के बाद आप इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, डेढ़ टीस्पून मैंने डाला है, स्वाद अनुसार नमक। अब इसको चलाएंगे। मसाला आपस में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको ढकने के लिए गाइस मैंने ली है थाली, और थाली को इस तरीके से नहीं ढकना है, इस तरीके से ढकना है। और इसमें डाल देंगे पानी, तो इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है, चाहे जितना भी पानी डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मैंने इस तरीके से जो थाली रखी है और इसमें ये पानी जो डाला है मैंने, तो गैस को लो फ्लेम पर किया हुआ है, तो इससे क्या रहता है गैस आपकी भिंडी जलेगी नहीं और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बगैर पानी के भिंडी बनेगी। जो पानी जो मैंने इसमें डाला है इसकी भाप बनकर जब नीचे जाएगी पानी में भिंडी में, तो ऑलरेडी गीली हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बनाएंगे और आपकी भिंडी जलेगी भी नहीं, इस प्रोसेस से आप बना सकते हैं। और गैस इसको बोलते हैं पानी वाली भिंडी। तो गैस अगर थाली में पानी भरकर रखेंगे तो आपकी भिंडी नीचे से जलेगी भी नहीं। तो अगर आप अगर एक्स वाई जेड मान लो कोई भी सब्ज़ी अगर आप बनाते हैं सूखी सब्ज़ी, तो उसमें ऊपर से पानी भर के रख देंगे थाली में, तो आपकी सब्ज़ी जलेगी भी नहीं। तो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके गैस को मैंने लो फ्लेम पर किया है, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। आपको ये भिंडी बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा, और एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा मेरे कहने से कि आपकी भिंडी कैसी बनती है, पानी वाली भिंडी जो आपने पानी भी निकालते हैं और उसके ऊपर थाली ढक के रख दिया, ऊपर से इसमें थाली में पानी डाल दिया। एक बार ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा, आप खुद ही कमेंट में करेंगे कि आप मेरी कोई भी सब्ज़ी है ऑलरेडी मेरी जल्दी नहीं है। इस प्रोसेस से गैस आप बना सकते हैं भिंडी, और चाहे तो कोई भी सब्ज़ी सोया मेथी है या और भी है, तो पानी भर कर जब रखते हैं आपको खुद अच्छा लगेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, तो मुझको भी अच्छा लगेगा। किस जगह से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं गाइस आप बताइएगा। तो गाइस 10 मिनट हो चुका है, अब थाली करना है, तो मैंने पकड़ ली है और पकड़ से इस तरीके से थाली को उठा लेंगे। तो आप गाइस देख सकते हैं कि भिंडी आपकी जली भी नहीं है, ऑलरेडी इसमें पानी भी आ गया है हल्का सा, और ये आप चलाएँगे तो आपकी जली भी नहीं है भिंडी। इस तरीके से गाइस आप भिंडी बनाइएगा, बस मानिएगा बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनती है भिंडी। और ये पानी वाला तरीका जो गाइस मेरी सिस्टर महाराष्ट्र में रहती हैं उन्होंने बताया था, तो ये महाराष्ट्र की ट्रिप है, तो इस ट्रिप से आप बना सकते हैं। अभी थोड़ी सी कच्ची है, फिर से दोबारा से रख देंगे और गैस को लो फ्लेम पर ही रखना है। तो गाइस 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको निकालेंगे। तो अब आप गाइस देख सकते हैं कि भिंडी अच्छे से पक गई है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पानी आ गया है ऑलरेडी अपने आप से। गैस को अब हाई फ्लेम पर कर देंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। ये प्रोसेस से गाइस आप भिंडी बना सकते हैं, चटपटी मसालेदार पानी वाली भिंडी। ये बनकर तैयार हो गई है, चाहे तो अगर आप चाहें तो बेसन भी इसमें यहाँ पर भून के बेसन भी डाल सकते हैं। मैंने बेसन नहीं डाला है, बेसन वाली भिंडी अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट बताइएगा, तो मैं बेसन वाली भिंडी बनाकर आपको रेसिपी तैयार करके दिखाऊंगी। तो गैस को हाई फ्लेम पर कर दिया है, प्रेशर कर लेते हैं, गैस को ऑफ कर देंगे।
इस तरीके से भिंडी आप बनाएंगे तो भिंडी में जो चिपचिपाहट होती है वो नहीं होती है इसमें। तो आप देख सकते हैं भिंडी में चिपचिपाहट बिल्कुल चली गई है और भिंडी बहुत ही बढ़िया चटपटी स्पाइसी बनकर तैयार हुई है। तो देखिए गाइस आपके मुँह में पानी आ रहा होगा, तो इस तरीके से आप गाइस बना सकते हैं। आप इसको चाहे तो पूरी से खाइए, चाहे तो पराठा से खाइए, चाहे तो रोटी से खाइएगा। तो गाइस भिंडी सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कढ़ाई में बिल्कुल भी मसाला नहीं लगा है। इस तरीके से भिंडी सर्व कर लिया। तो गाइस भिंडी बनकर तैयार हो गई है और मैंने सर्व कर लिया भिंडी। इस तरीके से गाइस आप भिंडी बना सकते हैं, इसको चाहे तो आप पराठा से खाइए, पूरी से खाइए, रोटी से खाइए। तो गाइस आपको मेरी भिंडी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल को देखने तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि भिंडी कितनी ही बढ़िया लगी है और बनी है। और इसको चाहे तो आप चावल से खाइएगा दाल के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और आप बना सकते हैं भिंडी की चटपटी मसालेदार रेसिपी। तो गाइस भिंडी बनाएं और भिंडी के साथ चटनी ना हो, चटनी के से खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। और मैं चटनी बनाऊंगी गाइस पुदीने की। तो गाइस भिंडी के बाद बनाने जा रही हूँ मैं पुदीना की चटनी। और आप रोटी पराठा से खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्पाइसी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी ये। तो गाइस मैं बनाने जा रही हूँ पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी बनाने के लिए मैंने पुदीने को धो लिए है और एक हरी मिर्च ली है और एक कच्चा आम। तो पुदीने की पत्ती जो है इस तरीके से निकाल लेंगे और इसकी चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है पुदीने की। इस तरीके से कैसा पुदीने की चटनी बना सकते हैं और कमेंट में बताइएगा कि पुदीने की चटनी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरीके से कैसा बना सकते हैं पुदीने की चटपटी चटनी। तो इस तरीके से सारी पत्तियों को निकाल लेंगे, अमियों को छील लेंगे, छोटे छोटे समय काट लेंगे और मिर्च ऑलरेडी एक ही डालनी है चटनी में। कैसे मैंने मिर्च और पुदीने और कच्चे आम को छील के छोटे छोटे पीसों में काट लिया है, इसको धो के मिक्सर में डाल देंगे। इस तरीके से गैस मिक्सी के ग्राइंड में डाल दिया है पुदीना और हरी मिर्च और कच्चे आम को काट के उसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखनी है। इसको ढक्कन लगा देंगे और मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए गैस चटनी बनकर तैयार हो गई है। चटपटी पुदीना और अमिया की चटनी तो सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए गाइस मैंने चटनी को सर्व कर लिया है। और इस तरीके से गाइस आप भिंडी के साथ चटनी बनाकर खा सकते हैं और दाल रोटी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में गाइस ये अमिया की पुदीना वाली चटनी। तो इस तरीके से आप गाइस चटनी बनाइएगा। अगर आप नए मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ये लीजिए चटनी चटपटी और ये रही भिंडी। तो भिंडी और चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री श्याम।